हरियाणा पुलिस की शुरुआत सराहनीय। डायल 112 के लिए आई गाड़ियों को इमरजेंसी सेवा में लगाया। कोविड मरीजों को ले जाने के लिए करे पुलिस कंट्रोल नंबर 108 पर सूचना। करनाल पुलिस के इस कदम से पड़ेगा लोगों पर सकारात्मक प्रभाव। कोरोना काल में जहां एम्बुलेंस से लेकर ऑक्सीजन बेड को लेकर परेशानी बनी हुई है, वहीं इसी बीच हरियाणा पुलिस की शुरुआत काफी सराहनीय है। करनाल में डायल 112 के लिए आई कई गाड़ियां पुलिस कप्तान ने आपातकालीन सेवा के लिए लगा दी हैं। अगर किसी कोविड मरीज को हॉस्पिटल से घर या घर से हॉस्पिटल इलाज के लिए जाना है तो वो 108 या पुलिस कंट्रोल नंबर पर फोन कर सकता है। कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा जरूरत है हौसले और सहयोग की, जिसके लिए प्रशासन अपने स्तर पर सहयोग करने में जुटा हुआ है। वहीं पुलिस ने भी अपने स्तर पर अब सहयोग करना शुरू कर दिया है और सहयोग अपनी ड्यूटी के साथ साथ मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाने का भी है। अब करनाल पुलिस ने डायल 112 के लिए आई 5 गाड़ियों को कोविड 19 में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग के लिए लगा दिया है। अब कुल 5 गाड़ियों में 3 गाड़ियां फिलहाल आपातकालीन सेवा के लिए है, मतलब अगर कोई भी मरीज कोरोना पॉजिटिव है और वो सीरियस है तो ये इनोवा गाड़ी उसके द्वार तक पहुंचाएगी और उसे हॉस्पिटल पहुंचाएगी। इतना ही नहीं, यदि कोई मरीज हॉस्पिटल से घर जाना चाहता है तो उसको ये वैन उसके घर तक पहुंचाएगी। वहीं 2 गाड़ियों को पुलिस की तरफ से फिलहाल कोरोना सैंपल की टेस्टिंग के लिए लगाया गया है, जिसका सीधा फायदा स्वास्थ्य विभाग को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि करनाल पुलिस का ये कदम लोगों में काफी सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। उम्मीद करते हैं कि सब मिलकर इसी प्रकार कोरोना से लड़ते रहेंगे और उस पर जीत हासिल करेंगे। सरकार की तरफ से करनाल जिले को भी ये गाड़ियां दी प्रोवाइड की गई हैं जो कोविड पेशेंटों को मदद के लिए, क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा नाम ललित है, मैं एज ए लैब टेक्नीशियन CMO ऑफिस में हूँ। और जैसे कि हमारे हरियाणा पुलिस की तरफ से बड़ा अच्छा कदम उठाया गया है कि इन्होंने जैसे कि इनोवा गाड़ी प्रोवाइड कराई है हमें, 5 गाड़ियाँ हरियाणा पुलिस की तरफ से दी गई हैं कोविड के लिए। तो इन गाड़ियों का मेन मकसद तो यही है, जैसे कई बार क्या होता है पेशेंट को एम्बुलेंस नहीं मिलती टाइम पे, तो इसके लिए पेशेंट को क्या करना होगा, 108 पे या 112 पे कॉल करके या कंट्रोल पुलिस कंट्रोल रूम में आप कॉल कर सकते हो, जिससे आपको गाड़ी प्रोवाइड की जाएगी। और अभी फ़िलहाल इसको हम टेस्टिंग के लिए लेके आए थे, ये जुंडला के पास जानी गाँव है, यहाँ पर कोविड की टेस्टिंग डोर टू डोर पेशेंटों की थी, जहाँ पर कंटेनमेंट जोन होता है। तो बड़ी अच्छी पहल करी है हरियाणा पुलिस ने कोविड को रोकने के लिए। जैसे भी ऐसे पेशेंट आए, कई बार नहीं जा पाते, तो अभी डोर टू डोर सैंपलिंग के लिए हमें सैंपलिंग के लिए लगाई है ये। फिलहाल सर अभी तक कोई ऐसा पेशेंट तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है, जैसे सब सिम्टोमेटिक ही हैं, एक दूसरे से संपर्क में आए या तो पॉजिटिव आए हैं, उन सभी को कवर करने के लिए आज हमें गाँव में आए थे इधर। तो सर किस तरह संपर्क कर सकते हैं, क्या आसानी तरीके से समझाए? सर जैसे इन ड्राइवरों के नंबर है सभी प्रोवाइड किए जाएंगे अभी, और इनके पास जो ड्राइवर है इनोवा में वो भी सभी पुलिस विभाग की तरफ से ही है, और वैसे कंट्रोल रूम से आप संपर्क कर सकते हैं या पुलिस जो भी आपके नज़दीक पड़ती है वहाँ से आपको इनोवा प्रोवाइड की जाएगी। तो सर कितने कारगर सिद्ध होंगे, जैसे एम्बुलेंस काफ़ी प्राइवेट महंगी भी पड़ती है, तो क्या करना चाहिए? ये तो सर बड़ी अच्छी पहल करी है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए, इसके लिए तो कोई पैसा नहीं देना आपको, बस एक सीधा कंट्रोल रूम में आप फ़ोन करिए, आपको इनोवा गाड़ी प्रोवाइड की जाएगी पेशेंट के लिए। अगर आपके पास कोई ऐसी इमरजेंसी होती है आपातकालीन स्थिति में, आप बिल्कुल कर सकते हैं। सर मेरा नाम ललित है। जो हरियाणा सरकार की तरफ से करनाल पुलिस को भी गाड़ियाँ प्रोवाइड की गई है कोविड पेशेंट की मदद के लिए, क्या किस तरह से संपर्क कर सकते हैं? मैं SP आनंद, इस गाड़ी पर मेरी ड्यूटी है, ये हमारे करनाल के SP साहब ने गाड़ी CMO ऑफिस को प्रोवाइड की गई है। इसमें हम कोई CMO ऑफिस में कोई कंट्रोल रूम में फ़ोन आता है तो वहाँ पर जाते हैं, किसका सैंपल लेना है या पेशेंट को कहीं लेके जाना है, तो CMO ऑफिस द्वारा ये कंट्रोल होती है पूरी गाड़ियाँ। किस तरह सर संपर्क कर सकते हैं? 112 नंबर पे कॉल करते हैं और वो कंट्रोल हमें बताता है कि गाड़ी को उस जगह पे लेके जाइए, आज हम जैनी गाँव में आए थे, यहाँ पर सैंपल लिए। तो सर क्या कहना चाहेंगे, कितनी कारगर सिद्ध होगी आम लोगों के लिए? सर ये बहुत बढ़िया फायदेमंद होगी, क्योंकि नई गाड़ियाँ हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आसानी से जा सकते हैं। तो लोगों से क्या अपील करना चाहिए? सर लोग इस अपना 112 नंबर पे फ़ोन करके इस गाड़ी की डिमांड कर सकते हैं, और यदि किसी ने सैंपल देना है तो वो अपनी PHC के अंडर में बताकर और 112 पर कॉल करके हम उसका सैंपल मरीजों को भी ले जाने में सीधी होगी कारगर जी। सर
इसमें मरीज को ले जाने के लिए जल्दी से जल्दी ले जा सकते हैं। तो क्या अपील करेंगे लोगों से, जिस तरह कोरोना बढ़ रहा है सर? सर मैं लोगों से ये अपील है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और मास्क का इस्तेमाल करें। अपने घर पे भी हैं तो भी मास्क लगा कर रखें, क्योंकि एक परिवार में एक को भी कोरोना है तो बाकी परिवार के सदस्यों को भी हो रहा है। इसलिए अपना मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। क्या कहेंगे, पुलिस भी अपनी जान पे खेल के अपनी ड्यूटी कर रही है, कोरोना वॉरियर्स का दर्जा मिला, किस तरह महसूस होता है? नहीं सर, हमें अच्छा लग रहा है और लोग भी हमारा साथ दे रहे हैं। जहाँ भी जा रहे हैं हम, हमारे एक बार बोलने से वो टेस्ट करवा रहे हैं और कोई परेशानी नहीं आ रही। तो क्या कहेंगे लोगों से? लोगों से यही अपील है सर कि अपने ये लॉकडाउन का पूरा पालन करें और अपना मास्क लगा कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। यदि घर में किसी को कुछ बीमारी है तो वो उसको छुपाए नहीं। तो कंट्रोल रूम से किस तरह सर कर सकते हैं? सर कंट्रोल रूम, इसमें मोबाइल नंबर है सर, इसमें एक उस मोबाइल नंबर पे फ़ोन आता है, इसके अंदर फिट है गाड़ी के अंदर, वो मोबाइल पे हमारे पास फ़ोन आ जाता है। क्या कहना चाहेंगे जो हरियाणा सरकार की तरफ से कोविड पेशेंटों की मदद के लिए आने जाने के लिए गाड़ियां के लिए करनाल को कितनी गाड़ियां चाहिए? देखिए, कोविड के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं और कभी कभार लोगों को आपातकालीन स्थिति में व्हीकल की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि जो पेशेंट है उसको तुरंत कोविड हॉस्पिटल में पहुंचाया जा सके। तो इसी दुविधा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा पुलिस की जो एक डायल 112 के लिए जो इनोवा गाड़ियां आई थी, उन गाड़ियों में से हमारी जिला पुलिस को अब तक 5 गाड़ियां प्राप्त हो चुकी है और 15 गाड़ियां भी और प्राप्त होनी है, जो फेज़ वाइज प्राप्त हो रही है। तो इन 5 गाड़ियों को हमने DC साहब और CMO से कंसल्ट करके GH हॉस्पिटल में भिजवा दिया है। 5 गाड़ियां वहां पर विद ड्राइवर रेडी है और 5 जो ड्राइवर है वो भी पुलिस विभाग के ही हमने डिप्लॉय किए हैं। उनकी मुख्य ड्यूटी ये है कि जैसे ही हमारे कंट्रोल रूम के 100 नंबर पे या 108 पे कोई कॉल आती है और उनको व्हीकल की रिक्वायरमेंट होती है, तो इनोवा गाड़ी तुरंत वहाँ पर पहुँचेगी और जो भी पेशेंट है उसको तुरंत कोविड हॉस्पिटल में पहुँचाया जाएगा। और ये पूरी जो सुविधा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये एक मानवीयता को ध्यान में रखते हुए है और लोगों की सुविधा के लिए एक पहल हरियाणा पुलिस की ओर से शुरू की गई है। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि यदि किसी आपातकालीन स्थिति में किसी कोविड संक्रमित व्यक्ति को यदि व्हीकल की आवश्यकता हो करनाल जिले में हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए, तो वो तुरंत हमारे पुलिस कंट्रोल रूम पे कांटेक्ट कर सकता है या 108 नंबर भी डायल कर सकता है। हमारे कंट्रोल रूम में जितने भी हमारे पुलिस विभाग के ड्राइवर हैं उनके मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, जैसे ही इनके पास में कोई कॉल आएगी वो तुरंत उस ड्राइवर को कांटेक्ट करेंगे और ड्राइवर संबंधित स्थान पर पहुँच करके वहाँ से संबंधित व्यक्ति को कोविड हॉस्पिटल में पहुँचाएगा। तो क्या अपील करना चाहेंगे करनाल की जनता? देखिए, मैं लोगों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि जब भी आपको आपातकालीन स्थिति में व्हीकल की रिक्वायरमेंट हो, आप तुरंत हमारे कंट्रोल रूम पे 108 पे या जो हमारे पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर हमारी करनाल पुलिस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप तुरंत उस पे कॉल कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इमीडिएट रेस्पॉन्स मिलेगा, पुलिस विभाग की इनोवा व्हीकल तुरंत उस जगह पे आपकी बताई गई जगह पे पहुँचेगी और संबंधित व्यक्ति को कोविड हॉस्पिटल में पहुँचाएगी। और ये सारी सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट है और हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जो सर्विस है वो फास्ट हो, व्हीकल तुरंत वहाँ पर पहुँचे और व्यक्ति को हॉस्पिटल में पहुँचाए। पुलिसकर्मी जो लगे हैं उनकी सेफ्टी के लिए किस तरह की प्रोक्योरमेंट की गई है? देखिए, जो संबंधित पुलिसकर्मी जो हमने ड्राइवर के तौर पे डिप्लॉय किए हैं, जाहिर तौर पे अगर किसी कोविड संक्रमित व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाने के दौरान उनके भी संक्रमण की संभावना रहती है, तो इस संबंध में हमने उनको मास्क, हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर इत्यादि अवेलेबल कराए हैं। किस प्रकार से कोविड से अपने आप को बचा के रखना है इस संबंध में भी ब्रीफ किया है, ताकि वो कोविड के संक्रमण से बच सके। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।